डिमांड है गेम प्ले में, और आज हम लोग भाई वो गेम खेलने जा रहे हैं जिसकी हैवी डिमांड हो रखी है, कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है। यस गाइस, ये है कार फॉर सेल सिम्युलेटर। ये गेम अभी काफी ज्यादा भाई चर्चे में है। इस गेम में हम लोग को क्या करना होता है, ये सबसे पहले हमारा शोरूम है। ये शोरूम देखो भाई, ठीक है, अभी काफी गरीब से शुरू हुआ है हम लोग का, कोई बात नहीं। तो ये हमारा शोरूम है, हम लोग का काम है हम लोग एक पुरानी गाड़ी खरीद के लाएंगे, उसे महंगे में बेचेंगे और बीच का पैसा रखेंगे। तो ये हमारा काम रहेगा भाई, इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, मतलब हम लोग एकदम स्टेज बढ़ाते जाएंगे, अमीर होंगे। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत तो भाई एकदम जीरो से हुई है, गरीब है हम लोग, कोई बात नहीं, इसलिए इतना छोटा सा हमें शोरूम मिला है। और यहाँ पर ये क्या पड़ा है भाई साहब, कचरा पट्टी भाई। और ये देखो भाई मेरे दुकान के आगे ये सब क्या पड़ा, हटाओ इन सबको, ये लेट्स गो, इन सबको जल्दी जल्दी हटा देते हैं। और ये सारा कूड़ा कचरा भी जल्दी जल्दी हटाओ। अच्छा देखो, जैसे जैसे हम लोग हटा रहे हैं ना, तो हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहा है। इस गेम में हम जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे हमें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो भाई हमें ना कोई ज्यादा ठग नहीं पाएगा, हम लोग ना गाड़ी एकदम सस्ती में खरीद के लाएंगे, एकदम महंगी में बेचेंगे। तो भाई हम लोगों ने अपने शोरूम के यहाँ पे कूड़ा कचरा साफ कर दिया है, और अभी बारी है दुकान के ओपनिंग की, लेट्स गो गाइस। और ये देखो हमारा दुकान का इंटीरियर, और भाई ये क्या है, ऊपर से छत तो पूरी खाली पड़ी है, मतलब विंडो लगा हुआ है, धूप वूप आएगा, ठंड वंड आएगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन व्यू अच्छा आएगा। यहाँ पे हम लोग अपने क्लाइंट से बातें करेंगे ना, तो सब कुछ सही रहेगा। और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर पड़ा है, इसमें सारे डाटा फाइल्स होंगे और वेब पेज। ओके हमारे भाई, ओहो हमारे दुकान की यहाँ पे वेबसाइट भी है, हम जो भी गाड़ी बेचेंगे वेबसाइट पे चढ़ाएंगे, ओके तो जल्दी बिक जाएगा। अरे काम बहुत आसान है गाइस, अभी देखना हम लोग कैसे अमीर होते हैं। इंटीरियर कुछ खास है नहीं, छोटा सा शोरूम है, इसको भी बड़ा कर देंगे। और ये क्या भाई, सामने ऑटो रिपेयर का दुकान है। ओ, अभी मैं जा नहीं सकता बाहर। अच्छा अभी हमें काम करना है, ओके अभी लिखा आ रहा है कि हमें अपने दुकान का नाम चेंज करना है। भाई मैं इसे दुकान दुकान बोल रहा हूँ, ये ऑफिस है, एक काम करते हैं शोरूम बोलेंगे, लेट्स गो। अभी मुझे अपने शोरूम का नाम चेंज करना है, तो नाम के लिए हम यहाँ पे बैठते हैं, डेकोरेशन में चलते हैं, फिर साइन में क्लिक करना होगा आई गेस, यस। तो यहाँ पर अभी हमें नाम लगाना है। तो यार ये शोरूम है, कोई कार की ब्रांड नहीं है, तो हमें शोरूम के हिसाब से नाम सोचना होगा कि कस्टमर्स को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कार बिकती है, तो उस हिसाब से। अगर नहीं तो ब्रांड का नाम होता ना, तो मैं कुछ लग्जरियस सा नाम देता, जैसे होती ना पोर्श बुगाटी, तो वैसे कुछ सिंगल वर्ड का नाम देता। लेकिन अभी हमें बताना है कि कार शोरूम है, तो यहाँ पे पहले तो भाई अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं मोर, और फिर अगर मैं आगे लगाऊं कार शोरूम तो यार बहुत ही बड़ा नाम लगेगा, इतना मस्त नहीं लगेगा। तो या तो हम लोग दे सकते हैं मोर ऑटोज, लेकिन ये ऑटो की जैसे लग रही है, या तो मोर मोटर्स भी दे सकते हैं, तब पता चल जाएगा। और ये भाई प्रोनाउंस भी अच्छा कर रहा है, मोर मोटर्स, MOMOS, ये सही है। तो चलो इसकी साइज हम लोग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, विद थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और कलर भी हम लोग दे सकते हैं, तो भाई हम लोग तो ब्लू कलर देंगे, यस भाई हमारा तो ब्लू ही है। और भाई $10 लगेंगे यार, ओह शिट, ठीक है कोई बात नहीं, $10 है तो क्या हुआ, हमारे शोरूम का तो नाम चेंज हो गया है मोर मोटर। और गाइस तुम लोगों को टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा है कि हमारे पास अभी 7490 डॉलर हो गए, $10 का खर्चा हो गया, यानी हमारे पास $7,500 थे, ठीक है। तो चलो अभी हमारा काम है, यस अभी हम लोग बाहर जा सकते हैं, ये रोड है, और भाई सामने ऑटो रिपेयर है, ये सही है यार, जो भी गाड़ी वाड़ी हम लोग लेके आएंगे थोड़ी पुरानी होगी उसे रिपेयर करानी होगी, तो यही पे हम लोग सामने करा देंगे, पेंट भी करा सकते हैं। और ये क्या है यहाँ पे हम लोग, अच्छा भाई व्हील्स व्हील चेंज कराना हुआ तो वो भी हो जाएगा, तो चलो यार बहुत सही जगह पे हमारी अभी शॉप लगी हुई है। और यहाँ पर ये क्या है, ओह यहाँ पे गाड़ियां भी आती जाती है भाई, ये लोग तो ठोक ठोका देंगे अगर ढंग से नहीं चला तो। और यहाँ से हम लोग को बस पकड़ के जाना है, ओहो तो बस पकड़ के गाइस हम लोग या तो नेबरहुड जा सकते हैं कार मार्केट, अभी हमें गाड़ियां खरीद के लानी है पुरानी वाली, तो यहाँ से हम लोग जाके लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये यू कैन फाइंड कार्स फॉर सेल इन द नेबरहुड, चलो पहले नेबरहुड चलते हैं, नेबरहुड यानी कि आसपास के घर। तो यहाँ घरों के बाहर भी गाड़ियां बिकती है क्या भाई, बिकती क्या, भरी पड़ी है, 1, 2, 3 और वहां पे भी 1, 4, वो तो ट्रक दिख रही है यहाँ से। चलो भाई सबसे पहले इस गाड़ी को देखते हैं, ये किस टाइप की गाड़ी है, ओहो देखने में तो ये भाई स्पोर्ट्स कार जैसी लग रही है, लेकिन थोड़ी पुरानी लग रही है। चलो भाई इस अंकल जी से, वो आंटी जी है, आंटी जी से बात करते हैं, हेलो मैडम, के ये मैडम जी गाड़ी बेच रही है $2,983 में, भाई यानी कि $3,000 हो गया, और मेरे पास अभी $7,500 मतलब लगभग है, देखो $10 और कट गया
क्योंकि मैं बस से आया भाई, बस वालों ने टिकट के पैसे ले लिए $10 और मैं गाड़ी की यहाँ पे कंडीशन देख तो सकता लेकिन अभी नहीं देख सकता क्योंकि यार हम लोग अभी अनाड़ी है ना, नए नए आए हैं। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा गेम में, हम लोग आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे, हम लोग देख पाएंगे। तो अभी तो नहीं है। ये गाड़ी है होंडा विंसी, ये ठीक है, तो ये मैं ले सकता हूँ भाई, $3,000 में लूंगा। थोड़ा सा मैं इसको रिपेयर करा दूंगा क्योंकि ये देखो यहाँ से ये खराब है और यहाँ राइट साइड से तो ठीक लग रही है, बैक साइड से भी ठीक है कि टायर्स भाई बहुत ही पुरानी है और ये होंडा की गाड़ी है तो ठीक है, आई थिंक ये बिक जाएगी जल्दी, लेकिन अभी घाई नहीं करते हैं, अभी देखते हैं और कौन कौन सी गाड़ी है। SUV, लेट्स गो। SUV कौन सी SUV है ये? इसके टायर्स भी सही है भाई, ये थोड़ी सी ब्रांडेड लग रही है मेरे को, सारे गाड़ी की ब्रांड हटाई हुई है और इसकी कंडीशन भी चारों तरफ से सही है। ओके लेट्स गो, अभी अंकल से बात करके देखते हैं। ये है अंडे फंडा ये क्या नाम चेंज किया इन्होंने, जानबूझ के इन्होंने नाम चेंज किया लेकिन बहुत ही वियर्ड लग रहा है। जो यो, ये गाड़ी $25,000 की, भाई पता ही था भाई, जिस गाड़ी की थोड़ी कंडीशन अच्छी होती है ना वो बहुत महंगे में बेचते हैं लोग, तो भाई वो गाड़ी तो अपनी चेकलिस्ट में है, वो हम लोग जरूर बाय करेंगे अगर और कुछ नहीं तो। यार ये गाड़ी भी काफी जैंग लग रही है। ओ माय गॉड गाइस, इसका अलॉय देखो, इसका व्हील्स, उस भाई ये गाड़ी मेरे ख्याल से आराम से $50,000 के ऊपर की होगी, लग तो क्लास रही है, ये कोई महंगे ब्रांड की है। ओहो चलो भाई अंकल जी बता दीजिए इसका दाम कितना है। एंड 11,000 भाई, 11,000 तो बहुत कम है यार, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये गाड़ी देखने में तो काफी मस्त लग रही है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? यार सही है यार, 11,000 में तो मैं इसको ले जाऊं, लेकिन अभी पैसे नहीं है तो छोड़नी पड़ेगी। ये ट्रक है, ट्रक तो मैं नहीं ले जाऊंगा यार अभी, और तो गाड़ियां यहाँ पे कुछ दिख तो वहाँ पे भी पड़ी है, तो चलो वहाँ चलते हैं। ओके तो यहाँ पर ये तो भाई बहुत ही पुरानी गाड़ी है, ये एक विंटेज कार है क्या? विंटेज कार मतलब कि ब्रांडेड बट बहुत पुरानी गाड़ी, जो भाई शौक रखते हैं ना विंटेज गाड़ियों का वो दाम बहुत अच्छा देते हैं। तो ये गाड़ी की कंडीशन, ये आगे से इसका बोनेट तो खराब है और मतलब इतना भी खराब नहीं है लेकिन है, और पीछे से तो सही है और इसके टायर्स तो ऑब्वियसली पुराने होंगे, पुरानी गाड़ी है तो देखते हैं। और ये 1946 की गाड़ी है और लॉर्ड एस्कॉर्ट $16,000 भाई, ये गाड़ी भी सही लग रही है मेरे को, ले तो सकता हूँ मैं इस गाड़ी को। अरे लुक कार का भी ऑप्शन आ रहा है, और भाई मैं इसको हिला तो नहीं पा रहा, सिर्फ एक ही साइड से देख पा रहा हूँ भाई, ऐसे तो मैंने ही देख लिया था। ये छोड़ो लुक कार को हटाओ और यहाँ से अभी दूसरी गाड़ी देखते हैं। भाई पैसे नहीं है ना, नहीं तो उस गाड़ी को भी मैं ले सकता था। ये तो भाई साहब शेवरोलेट की गाड़ी है, काफी कूल है और उसकी भाई एलॉय भी ठीक है, और गाड़ी तो हर तरफ से खराब है यार, इसमें तो पूरा जंग लगा हुआ है, यहाँ पे भी जंग लगा हुआ है, ये भी जंग लगा हुआ है या फिर ये स्पोर्ट्स कार थी, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही क्योंकि पूरी गाड़ी में है। तो चलो भाई इस आंटी जी से देखते हैं कि इसका दाम कितना है। $30,000, ओ भाई ये स्पोर्ट्स कार ही है यार, ये शायद इसके पैटर्न है, मेरे को तो यही लग रहा है, तभी $30,000 की है। भाई यार अभी फटाफट से गाड़ी खरीदना है मेरे को, अपनी दुकान की ओपनिंग करनी है, पैसे कमाने हैं। तो भाई हम लोग आ गए अपने पहली वाली गाड़ी पे, भाई इस आंटी जी ने दाम तो नहीं बढ़ा दिया ना, मत बढ़ा देना यार, ओ हाँ उतना ही है। तो चलो भाई इसे कर लेते हैं बाय, लेट्स गो, और ये हो गई है बाय गाड़ी, बाय। अभी गाड़ी के अंदर हम लोग बैठेंगे, लेकिन गाड़ी में और कुछ खराबी तो लग नहीं रही है, और ये भाई गाड़ी में आ गए हैं। अभी इसकी कंडीशन तो भाई अंदर से भी ठीक ही लग रही है मेरे को, इसके इंजन को करते हैं स्टार्ट। ओके इंजन भी सही है भाई, थ्रॉटल भी अच्छा मार रहा है, चल तो रही है भाई सही यार, मेरे को लगता है सही बाइक किया हम लोगों ने। और अगर मैं इसके हॉर्न वॉर्न टेस्ट करूं तो हॉर्न थोड़ी खराब है, ठीक है, और अगर इंडिकेटर्स देखे तो इंडिकेटर भी काम कर रहा है, मतलब सही है, ऐसा कुछ खास खराबी लग नहीं रही है। अरे और भाई अभी रुकती भाई, ऑलरेडी ये कार थोड़ी सी डैमेज्ड है और यहाँ पे मैं पहाड़ पे आ गया हूँ इसे चलाने के लिए, ए रोड पे चलो नहीं तो पता चला। अरे बोरा हमारा शोरूम का लोकेशन वहाँ पे है, तो चलो अभी हम लोग शॉर्टकट मार के जाएंगे, लेकिन ये पहाड़ वहाड़ बहुत ज्यादा है यार। रोको, अपने शोरूम के अंदर ले जाएंगे भाई, आगे से तो ठीक ही लग रही है। काम करते हैं यार, गाड़ी थोड़ी सी डैमेज ही थी ना, तो एक काम करते हैं इसका रिपेयरिंग कराते हैं, फिर थोड़े महंगे में ही बेचेंगे। हम लोगों ने इसको $3,000 की ली है, थोड़ा सा रिपेयरिंग कराएंगे तो हम लोग डबल करके बेचेंगे। चलो भाई इसको रिपेयर कर दीजिए, इंजन को कर देते हैं ऑफ, गाड़ी से निकलो बाहर। और भाई अंकल जी इस गाड़ी को ठीक
की करने के कितने लेंगे आप भाई? $842 भाई, लूट मचा रखी है यार। मैंने ठोक भी दिया था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ से 6% डैमेज गया, यहाँ से 11, यहाँ से 11। चलो भाई कर दो यार, फिर मैं इसको डबल से भी ज्यादा में बेचूंगा यार, $1000 का खर्चा हुआ है ना, तो ठीक है। ये देखो अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ गई और अब मैं 6 का बेचने वाला था, मैं बेचूंगा $7000 का। यस गाइस, भाई प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। और ये देखो अंकल जी नीचे से ठीक कर रहे हैं, भाई ये क्या बात हुई? और ये क्या, पहले जो भी है चलो ठीक कर रहे हैं, तब तक हम लोग चलो यहाँ बाहर में देखते हैं और क्या हो रहा है। यहाँ पे है ऑटो इलेक्ट्रिक एंड ट्यूनिंग, ओके यहाँ पे सब अलॉय वलॉय ठीक हो जाएगा, वहाँ पे पेंटिंग हो जाएगी। और यहाँ पर है जैक जंक यार्ड, ओके ये क्या है? इस अंकल जी से बात करके देखें तो यू हैवंट मेटल, ये क्या होता है पता नहीं, यहाँ पर सब ऐसे ही कुछ पड़ा है। चलो चलते हैं, अपनी गाड़ी रिपेयर हुई कि नहीं हुई? और ये गाइस हमारी गाड़ी लगता है रिपेयर हो गई है भाई। $7500 से गेम शुरू हुआ था, मेरे पास 3600 है, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया है पैसा। तो भाई अब इस गाड़ी से डबल पैसे कमाऊंगा मैं। हेलो अंकल जी, गाड़ी हो गई? हाँ चलो हो गई। तो चलो भाई गाड़ी में बैठे और इसका इंजन ऑन करके आराम से निकालेंगे, भाई कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेट्स गो भाई, सही लग रही है यार। गाड़ी के कलर वलर भी चेंज करूं क्या? नहीं यार, आई थिंक यही ठीक है, एक बार बेच के पैसे कमाते हैं ताकि बिजनेस शुरू हो हमारा। लेफ्ट राइट में कोई आ तो नहीं रहा है ना भाई, गाड़ी ठोक देगा नहीं तो कोई। और यहाँ से हम लोग इसको अपने शोरूम में रख देते हैं, लेट्स गो। और यार इसका इंजन बंद करना पड़ेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इंजन को बंद कर दो। ओके ओके सही है, नहीं तो फ्यूल खत्म हो जाता। और हर तरफ से सही लग रही है अपनी गाड़ी, तो चलो इसे वेबसाइट पर चढ़ा के बेच देते हैं। कंप्यूटर खोला, वेब पेज खोला, ये होंडा विंसी, लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग फोटोज भी लगा सकते हैं, प्राइस यहाँ लिख सकते हैं और टाइटल भी दे सकते हैं। मैं फोटो कहाँ से खींचूंगा? फोटो खींचने का तो कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं यार, इसकी फोटो तो है नहीं। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग इसका टाइटल डाल लेते हैं, भाई ये है बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। यस भाई, तारीफ करनी पड़ेगी। और गाड़ी को कितने में बेचे? मुझे $7000 तो मिनिमम चाहिए, लेकिन कोई भी बंदा आएगा वो बार्गेनिंग जरूर करेगा। मैं इसे $10000 की बेचता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ यार वो बार्गेनिंग करेगा, तो एक काम करते हैं 12000 की बेचू क्या? यार एक काम करता हूँ, जितना हो सके उतना महंगा बेचू। अरे $15000 तो हो ही नहीं रहा है, $13000 भी नहीं हो रहा है, $12000 आई गेस हो रहा है, तो चलो चढ़ा देते क्या है। कोई आएगा तो ठीक, देखते हैं, नहीं तो दाम कम कर देंगे। लेट्स गो, हमारी गाड़ी है ऑन सेल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और भाई बिग सेल भाई, सही है सही। अरे कस्टमर आ गए भाई, तीन कस्टमर आ गए, लेट्स गो। सही है यार, गाड़ी की डिमांड है यहाँ पे। ओके ओके चलो इस अंकल जी से बातें करते हैं। हेलो भैया जी, गाड़ी कैसी लगी? $12000 की है, आप सोच रहे हैं, सोचिए। आई थिंक द प्राइस इज रीजनेबल, सो आई विल बाय इट। ओ भाई यार, दाम थोड़ा और बढ़ा देता तो सही रहता ना, लेकिन ठीक है भाई बेच दो यार। पहली गाड़ी बेची $15000 में, और भाई रात हो गई है। सही है यार, पहले दिन तो अच्छा खासा माल कमाया, तो भाई रात हो गई है तो अभी सोने का टाइम हो गया है, और ऑफिस को कर देते हैं बंद, और अभी मुझे जाना है घर में सोने के लिए। भाई मोर मोटर से लगता है बहुत तरक्की करेगा, वहाँ पर हमारा बेड है, तो चलो हम लोग जाते हैं सोने के लिए। तो गाइस ये हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं, ये क्या है भाई? ये घर है ना? ये तो कोई कंटेनर है यार, ये घर नहीं है। और ये अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं? यहाँ पे दरवाजा है भाई, ये टूटे फूटे में दरवाजा भी लगाना था क्या अलग से? यहाँ से तो सब कुछ दिख ही रहा है, दरवाजे का क्या सेंस है? और ये मेरा बेड है भाई, जिसमें तकिया भी इतना फालतू सा है। चलो यार सो जाओ। और ये देखो हमारा आज का रिजल्ट, हम लोगों ने $9000 कमाए, और हम लोगों ने सिर्फ $3000 खर्च किए थे। लेट्स गो, नेक्स्ट डे ये हो गया सुबह, गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलो हम लोग चले यहाँ पर, ये क्या हो गया भाई? ओ भाई मेरे घर के बाहर चार चार गाड़ियां लुढ़क गई हैं भाई, इनमें से कोई एक गाड़ी उठा के ले जाऊं क्या मैं? ओए खोलो खोलो, बेच दूंगा मैं, कोई भी खोल दो। नहीं खुल रही है यार, मतलब चोरी की गाड़ियां नहीं उठाता है ये भाई। ओ वो आगे वाली गाड़ी गई भाई, ये सही है यार। और ये चार ऐसी की ऐसी पड़ी है भाई, छोड़ो यार क्या चल रहा है भाई, पहली बार देखा ऐसा कुछ। ठीक है भाई, हम तो लीगली काम करेंगे, तो चलो भाई हम लोग ऑफिस चलते हैं, लेट्स गो। और ये गाइस हम लोग आ गए हैं मोर मोटर्स में, और देखो लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन आ रहा है, योर ऑफिस इज रियली डर्टी भाई। सही है यार, यहाँ कूड़ा कौन फेंक के गया बे? अरे यार मतलब एक दिन आदमी सोने के लिए चला जाए
जाते हैं, कूड़ा कचरा फेंकोगे यार, ये तो गलत है। चलो हमारे ऑफिस को खोल दिया जाए, लेट्स गो। और अभी हमें एक और गाड़ी लेके आनी है, तो चलो अभी हम लोग जाएंगे गाड़ियां खरीदने के लिए। अभी हम लोग नेबरहुड से लेके आए थे ये गाड़ी, अभी चलो कार मार्केट में चलते हैं। और ये रहा यार कार मार्केट, भाई सही है यार, यहाँ पे सही गाड़ी मिल सकती है, यहाँ मार्केट लगा हुआ है। तो ओ माय गॉड, ये तो पोर्श है यार। हो इसके व्हील्स देखो, काफी क्लासी लग रहे हैं भाई साहब। ये गाड़ी कितने की मिल रही होगी? अपने पास $15,000 है भाई, $15,000 में दे रहेगा। पोर्श की 930 1977 की मॉडल विंटेज गाड़ी है ये भाई साहब। $2,15,000 भाई, 15,000 जो मेरे पास है उसके बाद 2,00,000 और चाहिए। माफ करो भाई साहब, माफ करो, ये नहीं चाहिए। ये गाड़ी भी काफी सही लग रही है, ये भी एक विंटेज कार है, एलॉय भी सही है। इसको देखे 1985 की BMW सीरीज 5, ये $15,000 में मिल रही है भाई। पूरी की पूरी पैसा खर्च हो जाएंगे और मैं इसको कुछ भी रिपेयर वेपेयर नहीं करा पाऊंगा। और इसको रिपेयरिंग की जरूरत तो है क्या? इसको कलर कराने की जरूरत है, विंटेज कार थोड़ी सी चमकती भी दिखे ना तब मस्त लगती है खरीदने में, लेकिन ये तो ऐसी लग नहीं रही है। तो एक बार भाई नहीं, ये वाली गाड़ी ठीक ठीक है, ये तो पुराने मॉडल की थोड़ी बकवास सी कार है। इसके दाम तो आई थिंक कम होने चाहिए, मेरे बजट में तो यही गाड़ी बैठेगी। चलो यही खरीद लेते हैं, अभी नेबरहुड में जाने का मेरा मन नहीं है। तो चलो सर जी, मुझे ये गाड़ी आप $2,536 में बेच दीजिए। लेट्स गो भाई, ये गाड़ी मिल गई। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। वो अंदर से तो सही है यार, गाड़ी ठीक है, कलरफुल है, व्हाइट कलर की है तो कलर कराने की जरूरत नहीं है। इंजन को स्टार्ट करते हैं, कैमरा एंगल चेंज। ओ भाई, आवाज देख रहे हो गाड़ी की? शिट, ओ लगता है यार सही गाड़ी उठा ली है भाई, मेरे को तो सही लग रही है गाड़ी। बिक तो जाएगी यार, किसी ना किसी को तो चेप दूंगा मैं। और यार ये तो ड्रिफ्ट मार रही है भाई, ये क्या चल रहा है? ओहो, गाड़ी सही ले ली यार, सस्ते में पुरानी टाइप की है लेकिन सही है। अभी हमें अपने शोरूम चलना है भाई, कार तो मेरे को काफी ज्यादा सही लगी है। तो अभी सब फटाफट से हम लोग बेचेंगे, ले चलते हैं अपने शोरूम। और ये आ गया हमारा यहाँ पे शोरूम, लेट्स गो मोर मोटर्स। इसे थोड़ा सा रिपेयर करा देगा तो थोड़ा और महंगा बेच देंगे। हमारे पास पैसा तो है यार, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है। और ये क्या हुआ भाई, मेरे आते किसी और की गाड़ी चढ़ा दी वे, ये क्या बात हुई, ये तो गलत है ना। तो चलो भाई, लगता है ये बिजी है। और हमारे लेफ्ट साइड में लिखा रहा है द ऑफिस इज डर्टी। भाई बाहर जाती कौन गंदगी फैलाता है यार, मतलब मेरे को मिला ना वो बंदा मैं पीटूंगा। कहां है भाई ऑफिस इज डर्टी, दिखाओ भाई। अंदर में भी कुछ नहीं है, यहां पर कहां से डर्टी है भाई, भगवान जाने। अभी वहां पे चले गए क्या भाई वो गाड़ियां? चली गई। चलो अभी अपना गाड़ी चढ़ाते हैं भाई, मेरे आते ही एक सेकंड में चढ़ा दी थी किसी गाड़ी को। तो चलो अभी इस गाड़ी को लगा देते हैं रिपेयरिंग के लिए, इंजन ऑफ, लेट्स गो। चढ़ाओ भाई। हाँ भाई अंकल जी, कितना लेंगे इस गाड़ी का? भाई $500 यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिपेयर कराते हैं। तो ये गाड़ी मेरे को लगभग पूरी $3,000 से थोड़ी ज्यादा पड़ी है, 3,200 समझ लो। मैं बेचूंगा इसको 6,400 में, चलो 7,000 में बेचेंगे, लेट्स गो। तो भाई जब तक अपनी रिपेयर हो रही है, ये यू हेवेंट मेटल से मिल के आते हैं। हेलो जी, ये यू हेवेंट मेटल क्या होता है सर जी? ये क्या पड़ा है भाई यहाँ पे? कूड़ा कचरा कलेक्ट, हम लोग ट्रैश को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं भाई? यहाँ पे ये क्यों ऑप्शन दिया हुआ है? ये भी कलेक्ट कर लो, ये भी कलेक्ट कर लो, इसे तो नहीं उठा सकते, ठीक है। तो चलो अभी तो, हेलो अंकल, अरे ये इनका कचरा उठा के मैंने इनको ही बेचा और मुझे $60 मिले लगता है। भाई ये तो गजब ही हो गया ना, इनका माल इन्हीं को ही बेचा, सही है, इवन तो इनसे उठाया नहीं जा रहा है, सही है भाई, फ्री में पैसे मिल गए। चलो चलो, अपनी गाड़ी रिपेयर हो गई यार इतनी जल्दी। भाई लगता है $500 लेके लूट तो नहीं लिया ना भाई, गाड़ी को ढंग से रिपेयर तो करिए कि नहीं करिए। चलो चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं। तो चलो भाई, गाड़ी को अपने शोरूम में लेके चलते हैं। भाई इसकी स्पीड तो सही हो गई है यार, भाई इसने अंदर की चीजें थोड़ी ना ठीक की है, पता नहीं भाई मेरे को लग तो रही है, फील आ रही है। चलो निकालो यार, ये गाड़ी को तो मैं महंगी में बेचूंगा यार, मस्त लग रही है चलाने में, मस्त है ये, ड्रिफ्ट भी मार रही थी, तो आई थिंक इसको महंगी में ही बेचना चाहिए। इंजन ऑफ, गाड़ी से निकलो, अभी इस गाड़ी को चढ़ाते हैं बेचने के लिए अपने वेबसाइट पे, लेट्स गो। ये गाड़ी का नाम मुझे नहीं पता, ये क्या गाड़ी है, यहाँ पे टाइटल हम लोग डालेंगे बेस्ट ड्रिफ्ट कार। यस भाई, ड्रिफ्ट वाले आ जाओ गाड़ी खरीद
खरीदने के लिए। इसे हम लोग $10,000 में चढ़ाएंगे भाई, बार्गेनिंग कर लेंगे यार, 7,000 में दे दूंगा मैं। अभी पुट इट ऑन सेल, लेट्स गो। और यहाँ पर लग गया है सेल का टैग भाई, ये तो सच में बिग सेल है। $10,000 में ले लो गाड़ी ले लो, आ जाओ कोई तो लेने के लिए। वो वाली गाड़ी मैंने 12,000 में बेची थी, लेकिन ठीक है यार, ज्यादा लालच नहीं करेंगे। देखते हैं कोई कस्टमर आता है तो। A few moments later. जब तक कोई कस्टमर आता है तब तक हम लोग खड़े तो रहेंगे नहीं। काम करता हूँ मैं, नेबरहुड में चलता हूँ, एक और नई गाड़ी लेके आता हूँ। यार हम लोग के शोरूम में भाई गाड़ियां भरी होनी चाहिए, तभी तो लगेगा कि भाई इस शोरूम में भाई बहुत गाड़ियां हैं और मेरे पास पैसे भी है, तो आराम से खरीद सकता हूँ मैं। लेट्स गो। अभी थोड़ी महंगी गाड़ी खरीदू क्या यार, सस्ती तो मैंने खरीद ली थी। यहाँ नेबरहुड में वो कौन सी गाड़ी है, वो तो कचरे की गाड़ी लग रही है, इसे नहीं लूंगा। और वहां पे वो छुटकी वाली गाड़ी, चलो छुटकी गाड़ी का भी लोगों को शौक रहता है। और ये तो वही गाड़ी है ना जो हम लोगों ने मार्केट प्लेस में देखी थी, ये शायद, पता नहीं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं देखी थी मैंने, सेंट्रो जैसी लग रही है ये। हाँ यार देखते हैं इसका कितना दाम है और ये कौन से ब्रांड की है, ये पता नहीं, कैट्रियन लिखा हुआ है। $7,000 भाई, $7,000 तो नहीं दे सकता मैं इस गाड़ी की, ये तो बहुत ही फट्टू सी कार है यार, इतने पैसे नहीं है। और दूसरा देखते हैं कोई, यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, इसका दाम कितना दे रहे हैं सर जी इसका? ओ ये भी भाई सही है, 2500 की, ये होंडा विंसी है। ओके सही है यार, ये तो अपनी पुरानी वाली गाड़ी जैसी लग रही है ना भाई। ये मैं बाय तो करता लेकिन रात हो गया, और ये क्या हो गया, नेबरहुड बंद ही हो गया भाई, देखते ही देखते रात हो गई अचानक, ये क्या हो गया यार। चलो भाई ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया और सोने का टाइम हो गया है भाई, रात होते ही पूरे नेबरहुड से लोग गायब हो जाते हैं। सही है यार, तो चलो चलते हैं हम लोग अपने पहले ऑफिस में। और एक कस्टमर आया हुआ है, रात को कस्टमर आया हुआ है, सही है यार। अरे नाइट सेल होगी भाई, ये कितने में दोगे भाई? भाई भाई बोलो बोलो बोलो। मुझे $7,000 में, अरे यार ये तो प्राइस इज टू हाई, 2500 भाई, $3,000 के तो मेरे खर्चे हो गए हैं इस पे। नहीं भाई नहीं दूंगा मैं, बाय डोंट सेल। भाई आप जा सकते हो, रात का टाइम है, इसका मतलब ये नहीं मैं सस्ते में बेच दूंगा। चलो ऑफिस को कर देते हैं बंद और घर पर सो जाते हैं। भाई आज तो मैंने सिर्फ गाड़ी खरीदी है, लॉस दिखा रहा है यार, ये बिकेगी तो प्रॉफिट तो होगा ही भाई, सिर्फ 2500 नहीं यार, मेरे और भी खर्चे लगे थे इस पे। तो चलो यार गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलो अभी हम लोग अपना ऑफिस खोलते हैं जाके, और ये मोर मोटर्स की नई सुबह और हमारा शॉप हो गया ओपन। भाई गाड़ी अभी भी हमारी सेल पर है, कोई आके खरीदना चाहे तो जल्दी से आ सकता है, नहीं तो मैं नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। कल तो अचानक से रात हो गई थी भाई, जल्दी जल्दी मुझे गाड़ी बाय करने हैं। आने जाने के भाई $10 लगते हैं यार, अभी मैं नेबरहुड में जा रहा हूँ तो देखना मेरा $10 का खर्चा हो जाएगा ऊपर में, भाई साहब क्या ही बोले। और आज में क्या वही गाड़ी मुझे मिलेगी जो मुझे कल मिली थी $2500 में? भाई ये तो बहुत ही कूल गाड़ी लग रही है, महंगी होगी, पता नहीं कौन से ब्रांड की है, कौन से ब्रांड की है ये क्या लिखा है, शोंगी लगता है, कोई अजीब सी ब्रांड है पता नहीं। $51,000 नहीं चाहिए, लेट्स गो भाई। ये स्पोर्ट्स कार है, ये भी महंगी होगी आज भाई, नेबरहुड में महंगी महंगी गाड़ी है। मुस्टैंग, ओ शिट मैंने मुस्टैंग को नहीं पहचाना जल्दबाजी में, ओ शिट यार ये तो मस्त लग रही है, अरे मुस्टैंग तो, अरे यार ये कितने में देगा यार, कहीं से डैमेज है क्या, तब तो सस्ते में मिल जाएगी, यहाँ से डैमेज है इसका बॉनेट, लेकिन फिर भी ये महंगे में मिलेगी यार, मुस्टैंग तो मुझे उठानी है यार। $27,000 यार, मेरे पास 12,000 है, नहीं तो एक तो मैं जरूर लेता यार, खुद के लिए ले लेता, बार बार मुझे बस में आना जाना पड़ता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, बाद में लेंगे। ये वाली गाड़ी छुटकी सी है, इसको भी बेच तो सकते हैं। अंकल जी ये कितने में देंगे आप? ये वाली गाड़ी 2700 में दे रहे हैं यार, ये 2700 जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है इसका मॉडल भी पुराना है, देखते हैं सस्ती गाड़ी ले जा पाएंगे अभी तो, लेकिन थोड़ी सी हमारे पास बजट है तो हम लोग थोड़ी ढंग की गाड़ी भी ले जा सकते हैं फिलहाल तो। और ये वाली गाड़ी देखते हैं, ये तो काफी ठीक ठीक लग रही है, पुरानी है लेकिन इसकी कंडीशन सही है, हर तरीके से कंडीशन इसकी सही लग रही है मेरे को। और ये गाड़ी है कौन सी भाई? ये लिखा पेजोट क्लासिक 1978 विंटेज, विंटेज तो तब होगी जब ब्रांडेड होगी, तो पता नहीं पेजोट क्या है भाई, विंटेज नहीं है ये, खाली पुरानी गाड़ी है, $1,700 की है यार, ये खरीदनी चाहिए क्या मेरे को? ये कुछ ज्यादा ही सस्ती है, इस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी यार, इस गाड़ी में क्या गड़बड़ है जो इतनी सस्ती मिल रही है? काम करता हूँ ले लेता हूँ, ये लिखा है द प्राइस इज सेट, आई वोंट नेगोशिएट, ये नेगोशिएट भी नहीं करेगा, ले लूँ क्या
यार बहुत सस्ते में मिल रही है, ले लेते हैं भाई, नुकसान क्या ही होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो रिपेयर करा लेंगे। मैंने इस गाड़ी को खरीद लिया है, इंजन ऑन तो हो जाएगी ना। हो गई भाई, ओ भाई इंजन ऑन तो हुई है, मेरे को लग रहा था वो भी ऑन नहीं होगा क्या। गाड़ी तो ठीक ही लग रही है यार, मतलब नॉट बैड, पीछे से थोड़ा सा डेंट है लेकिन सही है यार, मेरे को तो काफी सही लग रही है भाई। लगता है उस बंदे को लूट लिया बनने भाई, गाड़ी सही खरीदी है। चलो यार मोर बोर्डर्स में चले और इसे बेचेंगे यार, डबल में तो बिक ही जाएगी वे। और ये गाइस हम लोग आ गए अपने शोरूम में और यहाँ पर तीन तीन कस्टमर आए हुए हैं भाई। ओ शिट भाई, इस गाड़ी को भी देख लो, इस गाड़ी को भी देख लो। हाँ भाई, $10,000 की चढ़ाई थी मैंने, आप कितने में लेंगे? आई नीड टू थिंक भाई, $2,600 की दे रहे हैं भाई साहब। यार ये क्या हो गया, मैं $3,200 तो मेरे को ही पड़ा है यार, थोड़ा तो यार $10,000 नहीं तो एटलीस्ट भाई 2700, नहीं यार कम से कम मेरा डबल दाम तो दो, $5,000 तो दो यार। डिफॉल्ट किट है इसके अंदर में, अच्छा इसके अंदर में थोड़ी सी कमी है इस वजह से ये सस्ते में मिल रही है। अरे मैंने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया यार, गाड़ी के अंदर बैठो, ये इंजन प्रॉब्लम है यार, नहीं तो पेट्रोल खत्म हो जाता है। इस अंकल से बात करते हैं भाई, थोड़ा तो दाम दो यार। ये सब यही बोल रहे हैं कि इसके अंदर डिफॉल्ट किट है, ये तो और भी कम दाम दे रहा है भाई। कोट सूट क्यों पहने तू, कोट सूट उतार के फेंक दे। और ये भी कोट सूट पहने है भाई, धंका दाम देना भाई। भाई साहब यार ये लोग तो मेरे तो यही दाम पड़ गए भाई, इसका किट चेंज कराना पड़ेगा लगता है। ये आंटी जी कितने में देगी, इससे शायद मैंने बात कर लिया था क्या, सबसे पहले मैंने इसी से ही बात किया था भाई। छोड़ो यार इसकी किट चेंज करानी पड़ेगी, नहीं तो यार ये मेरे तो लॉस होगा। तो भाई यार अपने रिपेयर सेंटर में जाके इसका किट चेंज कराऊंगा, नहीं तो भाई नुकसान में तो कैसे बेच दे यार। काम करते हैं एक बार, इसकी सेल हटा देते हैं यहाँ पर जाकर, रिमूव फ्रॉम द सेल। अभी सब लोग चले गए होंगे यहाँ से, बाय बाय। अभी यार एक बार इस वाली गाड़ी को भी रिपेयर तो कराने का मन है, लेकिन एक बार इसे रख के भाई उसका किट चेंज कराते हैं। ऑलरेडी उस पर थोड़ा खर्चा भी कर दिया था मैंने, तो इस गाड़ी को यहाँ रखते हैं, निकलते हैं, इसको ले चलते हैं, इसको यहाँ से भाई रिपेयरिंग सेंटर में ले चलते हैं और इसकी किट चेंज कराते हैं। तो यहाँ किट चेंज कराने के लिए मुझे इसमें जाना पड़ेगा, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स एंड ट्यूनिंग में, और इसका इंजन बंद, गाड़ी से निकलो भाई साहब, इसकी किट चेंज कर दो यार, किट चेंज करो। ओके यहाँ पे किट्स आ रहे हैं, ड्रिफ्ट किट या रेसिंग किट। यार ये ड्रिफ्ट तो ठीक मार रही थी, इसकी डिफॉल्ट किट है ना, वो लोग डिफॉल्ट किट के लिए रो रहे थे, कहाँ करता रेसिंग किट लगा देता। ओके $750 और लग गया है, इस गाड़ी का दाम भाई बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलॉयज खराब है यार, व्हील्स में चेंज कराऊं तो भाई दाम तो और लग रहा है $3,000 के। भाई साहब यार नहीं भाई, इतने पैसे नहीं है। तो यार किट तो मैंने चेंज करा दी, $1,000 एक्स्ट्रा लग गए हैं। अब देखते हैं गाड़ी कितने की बिकेगी भाई। रेसिंग किट लगाने से तो इसकी स्पीड और तेज हो गई है भाई, सही है, अब ये सही बिकनी चाहिए। तो इस गाड़ी को वापस से सेल पे चढ़ाएंगे, इंजन ऑफ, निकलो यहाँ से और इस गाड़ी को हम लोग सेल पे चढ़ा देते हैं। इस बार हम लोग बेस्ट रेसिंग कार लिखेंगे, रेसिंग किट लगा दी है, मेरे ख्याल से रेसिंग के नाम पे दाम ज्यादा मिल जाना चाहिए। इस बार भी $10,000 देते हैं, पुट इट ऑन सेल। भाई मैंने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, देखो मैंने 2536 में खरीदा था और 1245 मैंने लगाया, मतलब टोटल कितना हो गया, $3,800 लगा दिया मैंने। ओहो हो भाई, अब तो आके इसको खरीद ही लो भाई, इसका किट बहुत गजब हो गया है। जब तक कस्टमर आते हैं तब तक हम लोग इस गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करा लेते हैं। इस बार इस अंकल से रिपेयर कराएंगे, उस वाले ने भाई यार मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं बिकवाई यार, पहली गाड़ी इतनी अच्छी बिक गई थी यार, ये वाली गाड़ी अब कितने में रिपेयर करेंगे? $600 में, ठीक है कोई बात नहीं, $1,500 इस पर लगा था, 600 मैंने और लगा दी, मतलब ऑलमोस्ट 2200 की पड़ गई होगी। ये रिपेयर हो रही है, कोई कस्टमर आया नहीं यार अभी तक, मैंने किट भी चेंज कर दिया। और गाइस लगता है कार तो हमारी ऑलमोस्ट रिपेयर हो ही गई है। और ओ वहां पे कस्टमर है भाई, दिख रहा है मेरे को यहाँ से। ओ शिट शिट, गाड़ी दे जल्दी जल्दी दे, कस्टमर चला जाएगा। यार इतना टाइम लगा रहा है, जल्दी कर, गाड़ी में बैठो, रेस ऑन करो, भाव जल्दी से। ओ सर जी आ रहे हैं, एक और गाड़ी है वो भी ले जाना। ओ रुक 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 रुक, ठुकेगी नहीं तो अभी रिपेयर करा के ला। ओ पहुंच गया, ओ भाई साहब, अरे सर जी को वेट नहीं कराएंगे, रुको रुको जल्दी से, इंजन ऑफ, गाड़ी से निकलो। हाँ सर सर सर, बोलिए, अब तो दाम ज्यादा देना, पहले सब 2500 दे रहे थे, किट लगा, यस 3500 भाई, एटलीस्ट थोड़ा तो महंगा में दे रहे हैं, मतलब नहीं यार लेकिन मेरे तो नुकसान ही हो रहा है ना $300 का। मैं बार्गेन भी नहीं कर सकता, बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अरे यार लगता है ये ज्यादा महंगे में निकलेगी नहीं, इट्स टाइम फॉर मी टू डिपार्ट भाई, बेच दो यार, थोड़ा सा नुकसान ही हुआ है, लगता है यार गाड़ी थोड़ी
ढंग की देख के लानी पड़ेगी यार, ये वाली गाड़ी तो फिर बिकेगी कि नहीं बिकेगी, देखते हैं। चलो जो भी हो, हम लोगों ने प्रॉफिट तो किया ही था, ये वाली गाड़ी को भी अब तो हम लोग और महंगे में बेचेंगे, एक का लॉस दूसरे से निकालेंगे। वैसे भी 100 या $200 का ही लॉस हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग इसको भी सेल पे चढ़ा देते हैं। ये क्लासिक गाड़ी है, तो इसका नाम हम लोग देंगे बेस्ट क्लासिक कार। क्लासिक के भी कुछ ना कुछ तो फैंस होंगे ही। और इस पर मेरा टोटल खर्चा हो गया है लगभग $2,200-$2,300, तो मैं इसको बेचूंगा। चलो ज्यादा महंगा नहीं लगाते हैं, तो आई थिंक जल्दी कस्टमर है, $5,000 लगा देते हैं, पुट इट ऑन सेल, लेट्स गो। और देखे भाई, बिग सेल है यार, इसको तो मैं आधे दाम पे दे रहा हूँ, कोई तो आके ले जाना। और गाइज यार, रात हो गई भाई, डे टू भी खत्म हो गया है, गाड़ी अभी बिकी तो नहीं है, लेकिन लगता है अब रात में कोई कस्टमर तो नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आज का डे को एंड करते हैं और आज के एपिसोड को भी। तो गाइस, अभी कार शोरूम की पूरी सीरीज आएगी, तो तुम लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और लास्ट वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाकर तुम लोग देख सकते हो। सीरीज के लिए सब्सक्राइब करके रखना, नेक्स्ट पार्ट आएगी। तो चलो, हम लोग मिलते हैं उन वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।